वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस इस पर दोहरी नीति अपना रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस से मीडिया को इस बारे में सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय में फैसले का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा प्रदूषण को कम करने के लिए तुरंत कई फैसले लेने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब में गिरते भूजल पर भी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो चाहता है कि खेतों में पराली जलाना बंद हो। खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों की जरूरत है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में छह लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल दो लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक टोयोटा इनोवा कार ने टोल बूथ से लगभग 100 मीटर पहले एक अन्य कार को टक्कर मारी। कार के चालक ने मौके से भागने की कोशिश की और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और टोल बूथ पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि फिलहाल ऑड इवन लागू नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऑड इवन में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन पर फैसला सरकार को करना है, इसलिए जो करना है वो करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से लगातार विवादों में हैं। 7 नवंबर को उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, फिर 8 नवंबर को माफी मांगते हुए खुद की ही निंदा कर दी। इसके एक दिन बाद यानी कल 9 नवंबर को नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। इस बयान के बाद से बिहार में सियासी घमासान जारी है। आज जीतन राम मांझी समेत बीजेपी और विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार के राजनीति में विवाद और वाद विवाद जारी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बयान को दलितों और महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा मानहानि मामले में पंजाब से प्रोडक्शन वारंट भी कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने संजय सिंह को पंजाब के अमृतसर की अदालत में पेश करने की इजाजत दी। कोर्ट से निकलते वक्त संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर एक और एक्शन लिया गया है। आजम खान के रामपुर में स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगा दिया गया है। रामपुर के एसएसपी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये ताला लगाया गया। रामपुर पब्लिक स्कूल को भी सील कर दिया गया है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज जीवन धन्य हो गया है। आपको बताएं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। समारोह में देश के 4,000 से अधिक संत महात्मा और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ लगे आरोपों पर तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन पर लगे एनएसए के आरोपों को हटा दिया। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने स्थानीय थाने में सरेंडर किया। एयर पॉल्यूशन की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई। आईएमडी ने कहा कि बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है, जिसके साथ ही हरियाणा के रोहतक, खरखौदा, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली के आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं।